दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, सर आप क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ एक ऐसा मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मेरा पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस, क्या मैं सिखाता हूँ, कैसे मैं सिखाता हूँ, वो मैं लोगों को बताऊंगा ताकि उनको एक माइंड में क्लियर हो कि भाई हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, और जो हम जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं उसका बेनिफिट क्या है। और मेरा ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, और ये मैंने कैसे डिज़ाइन किया ये मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और मैंने क्या किया है, कैसे किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ साल थिएटर किया, फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स किया 3 महीने का, और एक्टिंग के अलावा मैंने फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा भी किया जिसमें एडिटिंग, डायरेक्शन, कैमरा, जो भी फिल्म से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट थे वो सब वहाँ पे कवर किया हमने। तो यूँ कह सकते हैं कि एक्टिंग के अलावा जो फिल्म मेकिंग की बाकी जो बारीक जानकारियाँ हैं वो सब मुझे पता है कि एज एन एक्टर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, और मुझे ये भी मालूम है कि एक डायरेक्टर एक एक्टर से क्या एक्सपेक्ट करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने थिएटर भी किया है और एक्टिंग कोर्स भी किया है, फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा भी किया है, और उसके बाद मैंने मुंबई आने के बाद कई साल लगातार बहुत काम भी किया है। तो जब थिएटर किया था तो हम ये सोचते थे नहीं, थिएटर ही हो गया सब कुछ। फिर कोर्स किया तो फिर लगा कि नहीं यार ये हो गया बहुत, अभी तो हो गया सब। फिर उसके बाद जब यहाँ मुंबई आके जब काम करना शुरू किया तो यहाँ आके देखा कि जो भी हमने पहले किया वो सब जीरो हो गया। अब जीरो हो गया और बड़ा प्रॉब्लम क्या, इतना सब जो हमने किया, अब जो यहाँ आके जो सीखा तो ये समझ में आया कि नहीं वो जो सीखा है वो ठीक है, बट यहाँ जो प्रोसेस है वो काफी अलग है और वो उस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो इन जो भी हम मेरा एक्सपीरियंस है थिएटर का, कोर्स का, एक्टिंग कोर्स का, और फिर यहाँ जो मैंने काम किया उसका, तो उसका एक निचोड़ मैंने निकाला और फिर मैंने एक ये प्रोसेस मैंने अपना डिज़ाइन किया जिसको लेकर मैं वीडियोस भी डाल रहा हूँ, और मैं पिछले करीब 2-3 साल से इसी प्रोसेस से लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छे लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरे स्टूडेंट्स जब जाके ऑडिशन देते हैं तो उनका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो मुझे लगा कि हाँ ये प्रोसेस मुझे बताना चाहिए और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरा ये कोर्स है, जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, वो फिल्म और टीवी को ध्यान में रख के मैंने डिज़ाइन किया है। इसमें हर उस चीज़ को रखने की कोशिश की है जो प्रैक्टिकली आपको सेट पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सेट पर जाने के बाद या ऑडिशन में जाने के बाद। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मुझे ये नहीं मालूम या मुझे ये कैसे करना है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी मुंबई आता है, मेरे पास आता है, तो वो फिल्म और टीवी में काम करना, उसको कैमरे के सामने काम करना है, तो उसको उन चीज़ों की जानकारी देना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, हम थिएटर की एक्सरसाइज रखते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं कि एज एन एक्टर हम एक आर्टिस्ट को इतना फ्लेक्सिबल बनाएं कि वो दोनों चीज़ों को समझे, बट हमारा मेन फोकस रहता है फिल्म और टीवी, कैमरा, कैमरे के सामने जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो क्या है, जैसे फ्रेमिंग है, शॉट्स है, लाइटिंग है, कंटिन्यूटी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको एक क्लोज शॉट में कैसे परफॉर्म करना है, एक मिड शॉट में कैसे परफॉर्म करना है, अगर आप एक लॉन्ग शॉट में हैं तो कैसे परफॉर्म करना है, अगर आपके क्लोजअप में रिएक्शन लिए जा रहे हैं तो वो कैसे देने हैं, और उसके बाद अगर आप थिएटर में हैं, स्टेज के ऊपर हैं, तो सेम चीज़ को आपको कैसे परफॉर्म करना है, उस चीज़ के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि एक्टिंग की थ्योरीज के बारे में, मेथड एक्टिंग है, स्टेंसलर्स की है, तो पहले तो मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे वो नाट्य शास्त्र है, चाहे स्टेंसलर्स की है, मेथड एक्टिंग है, और जो भी है, वो मैक्सिमम जो थ्योरीज हैं वो सब थिएटर बेस्ड हैं। नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखा था, तो उस वक्त में जो नृत्य नाटिकाएँ होती थी और उनके माध्यम से जो वो अपनी भाव भंगिमाएं जो प्रस्तुत करती थी नर्तकियां या जो नर्तक जो थे,
तो कैसे आंखों का मूवमेंट होगा, नाक का मूवमेंट होगा, या कौन सी जो शारीरिक मुद्रा से क्या भाव प्रदर्शित होगा उस चीज के ऊपर, और वहां इनर फीलिंग्स जो अंदर के इमोशंस के बारे में बात नहीं होती, क्योंकि जब एक ऑडियंस आपसे काफी दूर है और थिएटर में भी आप लोग देखे हैं तो वहां क्या है कि जो बारीक इमोशंस होते हैं ना आंखों के, बहुत बारीक इमोशंस, ये जो बहुत हल्की सी मूवमेंट्स होती हैं आंखों की मूवमेंट, ये नहीं दिखाई देती। तो वहां बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम होता है, लाउड एकदम एक्सप्रेशंस बहुत लाउड होते हैं, जबकि कैमरे में बहुत अंदर के इमोशंस पे काम होता है, क्योंकि जब अंदर के रियल इमोशंस क्रिएट होते हैं तो वो आंखों में दिखते हैं, हम आंखों में देख सकते हैं। अगर हम पर्दे पे टीवी में हैं या कैमरे के सामने हैं और आपके इमोशंस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, आपकी आंखों में वो भाव दिख रहे हैं, तो डायरेक्टर आपकी आंखों पर फोकस करता है। और एक चीज मैंने देखा है प्रैक्टिकल, आपके जितने अच्छे एक्सप्रेशन होंगे उतने ज्यादा आपके क्लोजअप्स लगते हैं, और जितने ज्यादा आपके क्लोजअप्स लगते हैं या लगेंगे आपके सक्सेस के चांस उतने ज्यादा होते हैं। तो एज एन एक्टर हमें अपने एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत करनी है, तो हम उसी तरह से फॉलो करते हैं। और जैसे थ्योरीज के बारे में बात करें तो वो मैंने बताया कि थिएटर बेस्ड थी थ्योरी सब। फिल्म और टीवी में क्या होता है, रियल इमोशंस क्रिएट करने होते हैं, हम रियल लाइफ में कैसा बिहेव करते हैं, कैसा फील करते हैं, वही फीलिंग्स हमें क्रिएट करनी होती है। ठीक है, थ्योरीज मैंने कह रहा कि थ्योरीज नहीं मालूम होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि हमारा 2 या 3 महीने का जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैक्सिमम 3 मंथ्स रहता है, 3 महीने में मेरे यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, इतना प्रिपेयर हो जाता है कि वो सेट पे जाके काम कर सकते हैं। तो 3 महीने में इतना ही टाइम होता है हमारे पास कि हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकें जो सेट पे जानना जरूरी है, बहुत बेहद जरूरी है ना, मस्ट रिक्वायर्ड, कि उनके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो हम उनके ऊपर ही काम कर पाते हैं। और जो अगर हम थ्योरीज की बात करें, ज्यादा थ्योरी में उलझाएं तो फिर क्या होता है कि आदमी कंफ्यूज होना शुरू होता है, तो इसलिए वो थ्योरीज हम साइड में रखते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपको बोलता हूँ भाई, अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है, ड्राइविंग सीखनी है, तो इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली स्टीयरिंग, गियर, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, इनको समझ लो। तो हम भी वैसे ही काम करते हैं, हम अपना फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस को कैसे कंट्रोल करना है, सिचुएशन को कैसे इमेजिन करना है, कैसे प्लान करना है, हम उतने ही ऊपर काम करते हैं। अब एज एन एक्टर जब हम एक्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूं, हम लोग सिचुएशन के हिसाब से इमेजिन करते हैं, इमोशंस को क्रिएट करते हैं और अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू उनको प्रोजेक्ट करते हैं। मींस प्रोजेक्शन भी जैसे कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल करके अपने हाव भाव को कंट्रोल करके और उन फीलिंग्स को, इमोशंस को जो हमने क्रिएट किया है उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो एक अगर सिंपल सी डेफिनेशन में अगर बोलना चाहूँ एक्टिंग की, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, मुझे जैसा फील हुआ, जैसा मैंने, मेरा अपना तजुर्बा है, जैसा मैंने फील किया एज एन एक्टर, व्हाट इज एक्टिंग, एक्टिंग इज प्लान एंड कंट्रोल प्रोजेक्शन ऑफ रिक्रिएटेड फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस एंड वॉइस एंड स्पीच। हम क्या करते हैं, हम इमोशंस को रिक्रिएट करते हैं, उनको प्रोजेक्ट करते हैं अपने बॉडी के थ्रू, फेस एक्सप्रेशन के थ्रू, वॉइस और स्पीच के थ्रू, और वो प्रोजेक्शन जो होता है वो कंट्रोल होता है। कंट्रोल मीन्स अगर वही चीज हमें एक मिड शॉट में या क्लोजअप शॉट में बोलनी है तो अलग ढंग से बोलेंगे, मिड शॉट में बोलनी है अलग ढंग से बोलेंगे, लॉन्ग शॉट में बोलनी है अलग ढंग से बोलेंगे। तो इसलिए हमें, हम जो काम करते हैं वो इन्हीं चीजों के ऊपर करते हैं, प्लान कैसे करना है, इमोशंस को क्रिएट कैसे करना है, और वो इमोशंस जो हमने क्रिएट किए उनको प्रोजेक्ट कैसे करना है। तो जैसे प्लानिंग में हो गया, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, फिर आपका फेस एक्सप्रेशन हो गया, फेस एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, आपकी वॉइस के एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्रिएट करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कैसे एक्सप्रेशन आएंगे, फिर आपका डायलॉग एंड स्पीच वो कैसे है, और उसके साथ साथ अंदर से जो इमोशंस को जो क्रिएट करना है वो कैसे करना है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जो इमोशंस हैं वो जेन्युइन रियल नहीं आते हैं तो आपके जो चेहरे पे एक्सप्रेशन है वो रियल नहीं दिखेंगे, वो फेक लगता है।
तो ठीक है, टेक्निकली हमें फेस के एक्सप्रेशन कंट्रोल करना है, बॉडी को कंट्रोल करना है, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही जरूरी है अंदर से रियल इमोशंस को क्रिएट करना, क्योंकि अगर हम अंदर से रियल इमोशंस क्रिएट नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो डेड होती है, वो आपकी आंखों में नहीं दिखेगा, और परफॉर्मेंस रियल नहीं है ना, फीलिंग्स रियल नहीं है तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं होती आपके साथ। तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है, रियल इमोशंस को क्रिएट करना, उनको प्रोजेक्ट करना, कंट्रोल करना, इसके ऊपर रहता है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ हम लोग किस तरह से शुरू करते हैं और किस तरह हम हमारा जो है प्रोसेस वो कंटिन्यू। सबसे पहले हम अपने एक्टर को कैमरे के सामने कंफर्टेबल करते हैं, क्योंकि एज एन एक्टर, फिल्म और टेलीविजन एक्टर, आपको कैमरे के लिए काम करना है, कैमरे के सामने ही रहना है, तो कैमरे के साथ दोस्ती होना बहुत जरूरी है, उसके साथ कंफर्टेबल होना जरूरी है, कैमरे की आंखों में आंखें डाल के बात करना बहुत जरूरी है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम अपने एक्टर को कैमरे के सामने कंफर्टेबल करते हैं, ताकि उसके इमोशन एक्सप्रेशन खुल के निकले और वो कॉन्फिडेंट हो ना। आप कंफर्टेबल होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर एक स्टाइल डेवलप होगा, और स्टाइल डेवलप होगा तो स्टाइल से ही आदमी स्टार होता है। स्टार बनने के लिए स्टाइल होना बहुत जरूरी है, और वो स्टाइल आने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई, आप कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद कंफर्टेबल होने के बाद हम काम करते हैं फेस एक्सप्रेशन। एक्टिंग मीन्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स फेस। आपका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन फिल्म और टेलीविजन एक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका चेहरा, क्योंकि मैक्सिमम आपके क्लोज और मिड शॉट्स लगते हैं, और क्लोज और मिड शॉट में आपके चेहरे के भाव उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऑडियंस फ्लैट फेसेस नहीं देखना चाहते। आप कितने ही स्मार्ट हो, कितने ही सुंदर हो, कितने ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं है, भाव नहीं है, कोई आपको नहीं देखना चाहिए। कितने सारे एक्टर हैं जो बिलो एवरेज, जिनके लुक्स बिलो एवरेज है, पर वो स्टार, कितने नाम आप ले सकते हो, और कितने ऐसे एक्टर हैं जो बहुत स्मार्ट हो, लुक्स बहुत अच्छे हैं, बट एज एन एक्टर यहां कुछ नहीं, चेहरा फ्लैट, कुछ दिखता नहीं है यहाँ। तो वो लोग आते हैं अपने लुक्स के ऊपर, कुछ थोड़ा बहुत काम मिलता है, और कब वो इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। जब आप सोचो तो बहुत से नाम है आपको ऐसे याद आएंगे। फेस एक्सप्रेशन के बाद नंबर आता है आपकी वॉइस का। वॉइस में ये वोकल सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, आवाज कैसे पैदा होती है, फिर गले में आके किस तरह से मॉड्यूलेट होती है, किस तरह से एक्सप्रेशन आते हैं वॉइस में, फिर वो शब्द कैसे बनते हैं, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं कि आपकी वॉइस क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, उसकी एक्सरसाइज। वॉइस में एक्सप्रेशन कैसे आएंगे, उसकी एक्सरसाइज। फिर आपकी लैंग्वेज कैसे क्लियर होगी, उसकी एक्सरसाइज, रीडिंग्स वगैरह हम लोग उसके लिए करते हैं। इसके बाद नंबर आता है बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज मीन्स के आपके डायलॉग्स भी नहीं है, आपके एक्सप्रेशन भी नहीं है, सिर्फ आप फ्रेम में दिख रहे हो, खड़े हो, तो भी आपके आपकी बॉडी जो है वो कम्युनिकेट करती है। मैं ऐसे बैठा हूं, एक अलग फील जाता है, मैं ऐसे बैठा हूं उसका मतलब अलग है, और मैं ऐसे बैठा हूं उसका मतलब अलग है। तो और एक्टिंग में जो सबसे मुश्किल चीज है वो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो डायरेक्ट आपके इमोशन से कंट्रोल होती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम अंदर से जो रियल इमोशंस को कैसे क्रिएट करना, उसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इमोशंस अगर रियल क्रिएट होंगे तो जो पूरा सिस्टम है ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। जब हम नए नए थे तो हम क्या सोचते थे कि यार ये डायलॉग ऐसे बोलना है, ये हाथ ऐसे करेंगे, ये चेहरे पे एक्सप्रेशन लाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो उसमें हमें कई चीजों को अलग अलग कंट्रोल करना। लेकिन जब आपके इमोशंस रियल आते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज का कंट्रोल करना, सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, प्रोजेक्शन, एक्शन, रिएक्शन, कैरेक्टराइजेशन, इन सब के बारे में भी डिटेल्स जानकारी दी जाती है और काम किया जाता है। उसके अलावा जैसे टेक्निकल चीजें हैं, वॉइस ओवर है, लिप सिंक है, डबिंग है, रिकॉर्डिंग है, के बारे में भी जानकारी दी जाती है।
प्रैक्टिकली डबिंग स्टूडियोज में, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में, वहाँ पे विजिट कराया जाता है प्रैक्टिकल्स के लिए। और उसके अलावा जैसे प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है, इसकी भी नॉलेज हम अपने एक्टर्स को देते हैं, क्योंकि ये भी जानना एक एक्टर के लिए जरूरी है कि फिल्म मेकिंग में शूटिंग के अलावा और क्या क्या होता है। और शूटिंग के लिए हम लोग प्रैक्टिकली शूटिंग्स में विजिट करते हैं, फिल्म सिटी का ट्रिप हमारा रहता है जहाँ हमारे स्टूडेंट्स को सब प्रैक्टिकली सब कुछ देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो फिल्म मेकिंग की टेक्निकल चीज़ें जिन्हें एक एक्टर के लिए जानना ज़रूरी है, वो भी हम अपने एक्टर्स को सब डिटेल में उनकी जानकारी देते हैं, जैसे फ्रेमिंग है, लाइटिंग है, शॉट्स है, कंटिन्यूटी है, मूवमेंट है, मार्क है, और जो भी चीज़ें एक्टर के लिए ज़रूरी हैं वो हम सब अपने एक्टर्स को नॉलेज देते हैं, ताकि उनको सेट पे जाने के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिल्म और टीवी, फिल्म टेलीविजन और थिएटर, फिल्म और थिएटर में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम प्रैक्टिकली जानकारी अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और प्रैक्टिकली समझाते हैं क्या डिफरेंस है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग फिल्मों में काम करने के लिए थिएटर ज्वाइन करते हैं, थिएटर करते हैं, और पता चला कि आपने 2-3 साल थिएटर किया, बहुत थिएटर किया, और उतना थिएटर करने के बाद बहुत अच्छा आपने काम किया थिएटर में, लेकिन जब उतना काम करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे पास लोग आते हैं 2-3 साल थिएटर किया है बट जब कैमरा फेस करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट आशुतोष, उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ, उसने खुद ये चीज मेंशन की है कि जो 3 साल थिएटर करने के बाद भी जब उसने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया तो कितना प्रॉब्लम था। मेरे पास जब आया था तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने शूट किया था, एक इंट्रोडक्शन शूट करने में 3 टेक दिए थे और वो 3रा टेक भी हमने ठीक है यार अभी नहीं, इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि फिल्मों में काम करना है इसलिए थिएटर करते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिकल हम लोग जानकारी देते हैं। और ये सब के साथ साथ हम फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी काम करते हैं कि आर्टिस्ट इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो कुछ भी कहीं भी कैसे भी कर सके। स्टेज पे है तो स्टेज के हिसाब से परफॉर्म करें, कैमरे पे है तो कैमरे के हिसाब से परफॉर्म करें। इसके साथ साथ हम लोग पैरेलल में हम लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना वो आपका मतलब एक्टिंग में जो है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, इमोशन बहुत अच्छे क्रिएट हो रहे हैं, बट आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत पे पड़ेगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत होते हैं जो मेरे पास पहले स्टूडेंट आ चुके हैं, किसी का बंगाली टच था, किसी का बिहारी टच, तो क्लियर मेरा यही बोल रहा था भाई अगर आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आपकी सारी मेहनत बेकार है, सारा जो आपने खर्चा किया टाइम दिया वो सब बेकार है। और मैं तो जो भी मेरा वीडियो जो देख रहे हैं उनको एक इसमें क्लियर मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, आपकी लैंग्वेज में रीजनल टच आता है, आपका डिक्शन ठीक नहीं है, आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप बॉम्बे मत आइए, क्योंकि यहाँ आएंगे ना कुछ होने वाला नहीं, आप घूमते फिरते रहोगे कुछ नहीं होगा, आप इधर उधर लूटोगे कुछ दिन, लूटते रहोगे फिर लूटना सीख जाओगे, फिर आप वही शुरू कर दोगे और इस इंडस्ट्री को बदनाम करोगे, जबकि इंडस्ट्री ऐसी नहीं, बहुत अच्छी है। लैंग्वेज में क्या क्या है, सबसे पहले तो आपकी लैंग्वेज में जो रीजनल टच है, आप जिस स्टेट से आते हैं वहां की भाषा का कोई टच नहीं होना चाहिए कि आपकी, आप हिंदी बोले तो ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप बंगाल से हैं, आप बिहार से हैं, आप पंजाब से हैं, नहीं पता चलना चाहिए सबसे पहले वो चीज। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, हम डिटेल में वीडियो करेंगे। रीजनल टच के बाद नंबर आता है डिक्शन का, तलफ्फुज यानी कि उच्चार, एक एक अक्षर को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, किस तरह से उसका उच्चारण करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ शाह बोलना है, कहाँ सा बोलना है, कहाँ रा बोलना है, कहाँ रा बोलना है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन जिनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कॉमनली शेर हो गया, शेर हो गया, जंग हो गया, जंग हो गया। अभी जंग और जंग सुनने में एक जैसा लगता है, सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है और मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। जंग जो लड़ाई लड़ी जाती है, जो मैदान में जो लड़ाई होती है, जंग के मैदान में
लड़ाई उसको हम जंग बोलते हैं। जंग जो लोहे पे लगता है, रस्ट, उसको हम जंग बोलते हैं। जंग मीन्स जो वॉर है उसको हम जंग बोलते हैं। नुक्ते का फर्क है, अगर हम दोनों शब्दों को प्रॉपर जगह पे नहीं बोलेंगे तो मतलब कितना बदल जाता है, ये चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और मैंने देखा है कि जो छोटे शहरों से या बॉम्बे के बाहर के जो लोग हैं, इस चीज के ऊपर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता। जब वो बॉम्बे आते हैं तब उनको यहाँ आने के बाद बहुत टाइम के बाद ये चीजें समझ में आती। और ये लैंग्वेज ऐसा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद लोगों को जब सिखाते हुए ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने फील किया। सबसे जो मुश्किल चीज है लैंग्वेज को करेक्ट करना है, क्योंकि एक आदमी जो 20-25 साल से जैसा कर रहा है, जैसा बोल रहा है, हम सडनली उसको यहाँ आने के बाद ही बोलते भाई तुम्हारा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो पहली चीज तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता इस चीज़, उसका अपने अंदर से वो नहीं मानता, उसको लगता है यार मैं तो इतने साल से ऐसे ही बोल रहा हूँ, किसी ने तो नहीं बोला, बट जहां आप बोल रहे हो वहां किसी को मतलब नहीं ना, क्लियर हो गया, समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हो, कैमरे के सामने जब परफॉर्म करते हो, तो दुनिया देखती है, जिसमें अनपढ़ लोग भी हैं, बहुत एजुकेटेड लोग भी हैं, तो हम मासेस के लिए काम करेंगे, तो वो हमें जो एक बहुत एजुकेटेड लोग हैं उनके हिसाब से हमारी लैंग्वेज ऐसी हो कि उनको भी समझ में आए, एक जो बहुत लोअर क्लास का है, अनपढ़ गंवार आदमी, उसको भी समझ में आए, और उसके लिए हमें अपनी लैंग्वेज परफेक्ट करनी पड़ेगी। और एक चीज मैंने खुद पर्सनली देखी है, फील किया है इस चीज को, अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, बहुत अच्छी कमांड है, आपका डिक्शन बहुत अच्छा है, और एक्टिंग 19-20 है, इमोशन एक्सप्रेशन थोड़ा सा 19-20 है, तो चलता है। लेकिन अगर आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, इमोशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन लैंग्वेज अच्छी नहीं है, डिक्शन अच्छा नहीं है, रीजनल टच आता है, तो काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। मिलेगा भी तो छोटे मोटे ऐसे काम मिलेंगे जिनका कोई मतलब बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी कमांड है लैंग्वेज में, बहुत अच्छी कमांड है, तो आपको अच्छे काम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद नंबर आता है, हम लोग आगे जो काम करते हैं, स्क्रिप्ट को कैसे याद करना है, स्क्रिप्ट को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, याद कैसे करना है, ऑडिशंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे जब ऑडिशन में जाते हैं तो वहां क्या क्या होता है, पूरा हम यहाँ पे उस चीज के ऊपर काम करते हैं। और जो भी हमारे यहाँ पे क्लासेस के टाइम पे हम वीडियो शूट करते हैं, हर एक्सरसाइज शूट करते हैं, और हम डे वन से कैमरा यूज करते हैं, हमारी कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्लास विदाउट कैमरा होती ही नहीं, क्योंकि चाहे कैमरा रखा है, रोल नहीं हुआ, बट कैमरा रखा है, आप जो भी करेंगे कैमरे के सामने करेंगे, चाहे कैमरा ऑन है या ऑफ है, बट आपको उस कैमरे का फील मिलना चाहिए। और जो भी हमारी क्लास के टाइम में जो भी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं, अच्छे जो वीडियोस होते हैं, वो हम शूट करते हैं, और उनको हम अपने जो चैनल है मीडियाक्राफ्ट टैलेंट हब, जो प्रमोशन के लिए हमने अपना एक अलग चैनल बनाया, उसके ऊपर डालते हैं, प्रमोट भी करते हैं, और उसके लिंक भी हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, ताकि वो भी उन लिंक्स के थ्रू आगे उनको भेजें और उनको काम मिले, कि आजकल जो काम जो मैक्सिमम मिलता है वीडियो लिंक्स के ऊपर ही मिलता है, जितने अच्छे आपके वीडियोस होंगे उतना ज़्यादा आपके काम के चांसेस हैं, जितना आप ज़्यादा उनको मार्केट में सर्कुलेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको काम मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स को और अपने एक्टर्स को हम अपनी वेबसाइट के थ्रू भी प्रमोट करते हैं, हमारी वेबसाइट है www.itsmediacraft.com। अगर आप भी हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट्स में या हमारे थ्रू और बाहर के प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करके अपना प्रोफाइल एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेशन के बाद आपका प्रोफाइल, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब प्रोडक्शन हाउसेस को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को, और जो भी लोग कास्टिंग से रिलेटेड हैं उनको विजिबल हो जाएंगे। और अगर आपके वीडियोस, आपके ऑडिशंस, आपके आपका पोर्टफोलियो उनको पसंद आता है तो वो आप लोगों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इससे आपको बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा भी बचेगा, आपको जगह जगह ऑडिशन देने के लिए घूमने की जरूरत नहीं। और इन सब चीज़ों के अलावा जो फिल्म मेकिंग की और एक्टिंग की क्रिएटिव और टेक्निकल चीज़ें हैं जो एक एक्टर को जानना जरूरी है, उनके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, जैसे कंटिन्यूटी है, कितने तरह की कंटिन्यूटी होती है, कि वो आर्टिस्ट को क्यों मेंटेन करना है, क्यों उसको समझना जरूरी है, जैसे एक्सप्रेशंस की कंटिन्यूटी है, आपके हेयर स्टाइल की कंटिन्यूटी है,
कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी है, मेकअप की कंटिन्यूटी है, ये बहुत सारी चीजें हैं, वो जब आप जब प्रैक्टिकली जब करोगे तो आपको समझ में आएगा। और जैसे हमारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद पूरा हमारा गाइडेंस रहता है, एक एक चीज के ऊपर हम लोग अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, कहाँ जाना है, किसको मिलना है, कैसे मिलना है, पूरा डेटा हम प्रोवाइड करते हैं, कहाँ मेल करना है, कैसे आपको पता चलेगा कौन जेन्युइन है कौन फेक है। और ये तो एक चीज मैं बताता हूँ कि जब आप थोड़ा सा मार्केट में निकलेंगे ना प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ट्रेन हो गए तो आपको पहली नजर में पता चल जाता है सामने वाला जेन्युइन है कि फेक है, दो बात आप करोगे समझ में आ जाएगा। अब एंड में बात ये आती है कि एक्टिंग सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, ये देखिए अपना अपना लुकआउट है, मुझे लगता है सीखनी चाहिए, अब अगर किसी को लगता है नहीं सीखनी चाहिए तो वो उसका अपना लुकआउट है, क्योंकि हर आदमी का भाई अपनी लाइफ है अपना करियर है, तो अगर लगता है सीखने की जरूरत है तो आप सीखिए। और किसी को जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता, हम उसी को सिखा सकते हैं जो सीखना चाहता है, जिसको लगता है कि सीखने की जरूरत है हम उसी को सिखा सकते हैं, हम जबरदस्ती किसी को सीखने के लिए कन्विंस नहीं कर सकते। और मैंने आज तक कभी किसी को कन्विंस नहीं किया कि आप एक्टिंग सीखो, क्योंकि जैसे बहुत से लोग मेरे पास ऐसे भी आए, ऐसा नहीं है कि अब मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप मुझसे मेरे पास आके सीखे तभी मैं आपकी हेल्प करूँगा, बहुत से लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो ट्रेन है कर सकते हैं, उनको भी मैंने हेल्प किया, जैसे दिग्विजय करके एक लड़का आया था मेरे पास, उसके मैंने दो ऑडिशन लिए, मुझे अच्छा लगा, उसको मैंने पूरा अपना कॉन्टेक्स्ट दिया, डेटा दिया, पूरा प्रोसेस उसको समझा और उसका वीडियो भी मैंने डाला, तो देखोगे तो उसने खुद अपने मुँह से बोला है कि जो मैंने ऑडिशन शूट किया था, जो उसको कॉन्टेक्स्ट मैंने दी थी, उनके बेसिस पे एक हफ्ते में उसको काम मिला और वो अभी भी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता रहता है, और ऐसे ही अगर लगा रहेगा तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी हमारा आने वाले टाइम में प्रोडक्शन का प्लानिंग चल रहा है, कई चीज़ों के ऊपर हमारा काम चल रहा है, और बहुत जल्दी अगर सब चीज़ें सही रही ठीक ठाक रही भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हमारा प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा, और जिसमें हम शॉर्ट फिल्म सीरियल्स वेब सीरीज इन सब का प्रोडक्शन करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि जितने भी लोग हमारे पास आते हैं प्रैक्टिकली सीखते हैं या हमसे जुड़ते हैं हमारी वीडियोस के थ्रू ट्रेंड एक्टर, ऐसा नहीं कि जो हमारे पास ट्रेनिंग लेंगे कि सिर्फ उन्हीं को हम लोग आगे हेल्प करें, अच्छे एक्टर जो हमारे वीडियोज से भी सीख के आते हैं हमारे पास और उनको भी हम गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जितनी हमसे हो सकते हैं हेल्प करेंगे।